राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनूप शहर नगर की माघ शाखा द्वारा एक दीप राष्ट्र के नाम कार्यक्रम का आयोजन नगर के डिग्री कॉलेज के गेट पर भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें श्री रामचंद्र जी का चित्र बनाया गया। अन्य रंगोली बनाई गई, उस पर सभी ने दीप जलाकर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान भूपेंद्र जी सह विभाग प्रचारक रंग शहर रहे। सह विभाग प्रचारक भूपेंद्र जी ने कहा, हम अपने घरों में परिवारों के साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं, लेकिन हमारे देश के वीर सपूत देश की सीमा पर देश की रक्षा के खातिर दिवाली या कोई पर्व अपने परिवार से दूर रहकर मनाते हैं। शहीदों के सम्मान में दिवाली पर एक दिया देश के नाम पर जलाना त्यौहार की सार्थकता साबित होगी। जो अपने वंचित परिवार हैं, सेवा बस्ती के लोगों के साथ दिवाली मनाना भी है। बुलंदशहर के अनूप शहर से संवाददाता रविंद्र कुमार के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। मेरा नाम सुनील कुमार निर्मल है। मैं यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये जो अनूपसर जिला लगता है तो इसका जिला कर्व हूँ। देखिए, ये जो दीपावली का उत्सव है ये पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा देने वाला तो है ही जी। हम जिनकी वजह से ये दीपावली मना पा रहे हैं, ऐसे हमारे सैनिक ये सब बॉर्डर पर तैनात हैं जी। तो संघ ने ये संघ की शाखाओं पर जो कार्यकर्ता रहते हैं उन स्वयंसेवकों ने ऐसा विचार किया कि हम एक दीपक देश के नाम जला करके ये उन वीर सैनिकों के लिए संदेश देंगे कि आप अकेले सेना के बॉर्डर पर तैनात नहीं हैं जी, हम सब लोग भी यहाँ से आपके साथ वहाँ तैनात हैं। सभी लगभग अनूप शहर को 7 बस्तियों में बांटा है हमने जी। ऐसा अपनी 5 शाखाएँ यहाँ लगती हैं। सभी शाखाओं ने अपनी अपनी शाखाओं पर कार्यक्रम किया है। यह जो कार्यक्रम है ये कावेरी बस्ती की माधव शाखा लगती है जी। तो माधव शाखा पर सब विद्यार्थी स्वयंसेवक आते हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की गई और उन कार्यकर्ताओं ने बाल स्वयंसेवकों ने मिलकर के कार्यक्रम किया, सबको आमंत्रित किया है। तो इस बस्ती में रहने वाले जो बड़े स्वयंसेवक हैं वो सब भी आए हैं। पूरे देश भर में एक दीपक देश के नाम जी, लगभग हर वर्ष हम इसको करते हैं। तो इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? संदेश यही है कि हमारे देश के जितने भी सैनिक आज बॉर्डर पर तैनात हैं जी, वो अपने को ऐसा महसूस ना करें कि पूरा देश दीपावली मना रहा है और हम यहाँ पर तैनात हैं, हम सब भी उनके साथ हैं।